हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर इंटरनेशनल फैशन चैनल। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये ब्यूटीफुल फैब्रिक लटकन बनाने का बिल्कुल ही आसान तरीका। इस टाइप के लटकन बनाने के लिए हमें फैब्रिक के इस तरीके से चार पीसेस लगेंगे। ये सिल्क फैब्रिक है, इसलिए इसमें अंदर लगाने के लिए ये कॉटन फैब्रिक हम यूज़ करेंगे। तो हमने फैब्रिक और लाइनिंग के 2x2 इंचेस के स्क्वायर पीसेस कट कर लिए हैं। अब इन चार पीसेस को लाइनिंग के साथ हमने स्टिच कर लिया है। अब हम एक पीस लेकर इसके किनारे पे इस तरीके से प्रेस से फोल्ड कर लेंगे। सिलाई नहीं लगानी है, आप अंदाजे से 1/4 इंच का फोल्ड रख सकते हैं। तो ये स्क्वायर पीस के चारों किनारे पे हम इस तरीके से फोल्डिंग करेंगे। हमें दो लटकन बनाने हैं, इसलिए हमें दो पीसेस इस तरीके से रेडी करने हैं। मैंने डेकोरेशन के लिए पॉम लेस लिया हुआ है। आप कोई भी गोल्डन या आपकी फेवरेट जो भी लेस होगी उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस लेस को एक पीस के किनारे पे इस तरीके से अटैच करना है कि ये पॉम बॉल्स बाहर की ओर दिखें। तो ये देखिए, ये दोनों पीसेस पे हमने सेपरेटली ये लेस को अटैच किया हुआ है। अब हम इस लटकन पे दूसरे पीस को रखकर इस तरीके से फिनिशिंग के साथ इसे कवर कर देंगे। इस तरीके से लटकन का दूसरा फैब्रिक हम फोल्ड कर सिर्फ दो साइड में हम सिलाई लगाएंगे, बाकी दो साइड हम खुली रखेंगे। वो इसलिए कि हमें लटकन में एक साइड में थ्रेड अटैच करना है। डोरी हम स्क्वायर के एक कोने में लगाने वाले हैं, उसके पहले हम इन साइड्स को फोल्ड कर फिक्स कर देंगे। इन दो ओपन साइड को पिन से सिक्योर करने के बाद हम इस डोरी को एग्जैक्टली एक स्क्वायर के कॉर्नर में पहले फिक्स कर लेंगे। लटकन के अंदर के साइड में हम इस डोरी का कम से कम 1 या 1.5 इंच का हिस्सा रखेंगे, जिसकी वजह से इसके धागे बाहर नहीं आएंगे और ये लटकन काफ़ी दिन तक चलेगा। अब ये पिन से फिक्स किए हुए दो साइड्स भी हम स्टिच कर लेंगे। इस लटकन को और भी अट्रैक्टिव बनाने के लिए इस स्क्वायर के दोनों साइड में मैं ये गोल्डन लेस इस तरीके से अटैच करने वाली हूँ। तो ये देखिए, गोल्डन लेस दोनों साइड में अटैच करने के बाद हमारे खूबसूरत से लटकन रेडी हो चुके हैं। तो देखिए, कितने आसानी से घर पर ही हम लोग हमारे आउटफिट से मैचिंग फैब्रिक लटकन बना सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर यूज़फुल रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।